भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्वानंद जी सोनोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर MF फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर CMD CSL, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। INS विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। INS विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। मित्रों, INS विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके साथ इस वर्ष कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया जाना, आर्म फोर्सेस और DPSU द्वारा इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर उठाए गए ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह INS विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की सराहना करता हूँ। साथ ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार और उनकी पूरी टीम की विक्रांत की कमीशनिंग में फोकस्ड एफर्ट्स के लिए मैं सराहना करता हूँ। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी लीडरशिप और डायरेक्शन के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम भविष्य में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं INS विक्रांत के कैप्टन और क्रू के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ। ईश्वर आपको हर परिस्थितियों में अजेय रखें। शं नो वरुणः मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी आवर स्पेशस अनटू अस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु वलरे नन्नी। जय हिंद।